हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को अपने खान पान का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। पेट भरने की बजाय उन्हें ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे सभी पोषक तत्व और जरूरी विटामिन्स मिल सके। डिलीवरी के समय मुश्किल नहीं आना और शिशु का स्वस्थ होना ये आपके खान पान पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, आप इतने सारे वीडियो देखते हैं और आप शायद कंफ्यूज भी हो जाते होंगे कि क्या खाएं? अनार खाएं, सेब खाएं, दूध पिएं, घी पिएं? दोस्तों, अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वो बताऊंगी जिसे गर्भधारण के बाद से ही अपने भोजन में सम्मिलित करें, भले वो सेब हो, अनार हो या घी हो, पर सबका टाइम होता है हरे कुछ खाने का। जैसे गर्भधारण के बाद विटामिन सी का सेवन 3 महीने तक नहीं करना चाहिए, पर अंतिम महीनों में इसके इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जैसे घी का इस्तेमाल आप 7वें महीने के बाद रोजाना करें, पर इसके पहले थोड़ा थोड़ा लें। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी के 9 महीनों में गर्भवती महिला को किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और क्यों। दोस्तों, दूध और उससे बने खाद्य पदार्थों में कैल्शियम, प्रोटीन और कई विटामिन्स होते हैं जो शरीर को फिट रखने के साथ साथ गर्भ में पल रहे शिशु के विकास में भी मदद करते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने गर्भवती महिला को दूध, पनीर, छाछ, मक्खन, घी, दही आदि का सेवन करते रहना चाहिए। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान सभी दालों और साबुत अनाजों का सेवन करना चाहिए। यह शरीर में ऊर्जा बनाए रखने और शिशु के विकास में भी मदद करते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को रोजाना फलों का सेवन अवश्य करनी चाहिए। यह शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं और इनमें मौजूद फाइबर और विटामिन शिशु के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, अनार और चुकंदर का सेवन करने से गर्भावस्था के दौरान होने वाली खून की कमी को दूर करता है। दोस्तों, शुरुआती दौर में आप खट्टे फलों का सेवन नहीं करें और पपीते का इस्तेमाल गर्भावस्था के दौरान कभी भी ना करें। दोस्तों, नॉनवेज खाने वाली महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान मछली का भरपूर सेवन करना चाहिए। मछली में ओमेगा-3 होता है जो शिशु और माँ दोनों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करता है और शिशु का विकास भी अच्छे से होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान नॉनवेज का सेवन करने से शरीर में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और कई जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है जिससे कमजोरी नहीं होती और डिलीवरी के दौरान भी महिला को अधिक परेशानी नहीं होती। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आपको गर्भावस्था के दौरान हमेशा तरल पदार्थों का सेवन करते रहना चाहिए। इसके लिए आप हमेशा भरपूर मात्रा में पानी पिए। जूस, नारियल का पानी बहुत जरूरी है। सूप आदि का सेवन करें, पर आप नशीले पदार्थों को कभी भी हाथ ना लगाएं और कोल्ड ड्रिंक से आप दूर रहें। दोस्तों, फैट शरीर में ऊर्जा बढ़ाते हैं और शिशु के विकास में भी मदद करते हैं।
दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को भरपूर मात्रा में फैट लेते रहना चाहिए। इसके लिए आप बटर, घी, मक्खन का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको डिलीवरी के दौरान आसानी से बच्चा होने में मदद मिलेगी और नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाएंगे। उसके बाद यानी डिलीवरी के बाद भी आपके शरीर में चमक बरकरार रहेगी। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कई गर्भवती महिलाओं को खून की कमी होने लगती है, ये आम बात हो गया है। दोस्तों, इसके लिए आप हमेशा ऐसे आहार का सेवन करें जिनमें आयरन की मात्रा भरपूर हो, ताकि आप स्वस्थ रहें और खून की कमी ना हो। आप अनार, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, साबुत अनाज और दालों का सेवन कर सकती हैं। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, इसलिए आप वैसे सब्जियों और दालों का या ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा हो। ध्यान रहे, जो भी खाएं लिमिट में खाएं, रूटीन से खाएं और पूरी गर्भावस्था के दौरान समय पर खाना जरूर खाएं। ज्यादा देर भूखे ना रहें। बाहर की बनी हुई चीजों को अवॉइड करें। जंक फूड से दूर रहें। जो खाएं घर का बना हुआ खाएं। दोस्तों, अपने रोज के खाने में अंडे, दूध, हरी सब्जियां, फल और दालों का इस्तेमाल जरूर करें। और एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो समय पे खाएं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज बताएं ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।